तो so, क्या आपको भी लगता है फ्रीलैंसिंग क्लाइंट्स ढूंढना हार्ड है अगर आपको ऐसा लगता है तो आई थिंक आपकी जो स्ट्रैटेजीज है वो काम नहीं कर रही हैं तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी बेस्ट स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूँ जो मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं एंड आई थिंक उन स्ट्रैटेजीज को सुनने के बाद आपको कभी भी फ्रीलांस क्लाइंट्स की कमी नहीं होने वाली So what are those strategies? Let's understand. So there are two strategies to find clients on internet. One is outbound strategy. Another one is inbound strategy. Outbound is nothing but you try to reach out to clients. Inbound is clients try to reach out to you. So let's first discuss about outbound strategies. And one of my favorite outbound strategy is finding out clients on business listing website. So US and UK may, one of the popular business listing website is Yelp.

दीज पीपल आर पेइंग हेल्प टू गेट लिस्टिड ऑन द टॉप ठीक है और बहुत सारे ये सारे लोग अभी तक पे कर रहे हैं इफ़ यू सी यहाँ से ऑर्गेनिक रिजल्ट स्टार्ट हो रहे हैं तो यू कैन जस्ट गो क्लिक ऑन दीज रिज़ल्ट लेट्स फाइंड आउट दिस वन तो अगर हम इस लिस्टिंग पे जाएंगे आप अगर एक वेबसाइट डिज़ाइनर हैं तो उनकी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं यू कैन जस्ट गो एंड क्लिक ऑन यू नो वेबसाइट लिंक फ्रॉम हेयर एंड चेकआउट दियर वेबसाइट सो ये उनकी वेबसाइट है विच इफ़ यू सी इट्स ओके इट्स नॉट दैट ग्रेट एंड अगर आप इन्हें यू uh, नो you know, एक अच्छी वेबसाइट बना के देख सकते हैं सर्विस वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं यू कैन रीच आउट टू दिस पीपल यू नो बिजनेसिस को रीच आउट करने का uh, सबसे आसान तरीका इज टू गो टू देअर इंस्टाग्राम अकाउंट एंड डी एम दैम क्योंकि बिजनेस ओनर जो होगा uh, उसके पास भी एक्सेस होगा इंस्टाग्राम uh, का अगर आपको ई मेल मिल जाती है तो आप ई मेल से भी रीच आउट कर सकते हैं नदर थिंग इज़ इन बिजनेसिस का फोन नंबर यहाँ पर लिस्टेड होता है तो यू नो मोस्टली यू कैन ट्राई एंड रीच आउट टू दैम ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो एंड व्हाट्सएप में मैं वीडियो का यूज़ करूँगा यू नो टू ट्राई एंड पिच माई सर्विस और जब भी आप सर्विस पिच करते हैं डोंट बी टेक्निकल मतलब आप उन्हें यह मत बोलिए कि मैं आपकी फेसबुक ऐड चला दूँगा गूगल ऐड चला दूंगा या वेबसाइट बना दूंगा these people don't need facebook and, ad, ahead google ad or another website these people need clients or clients आपको उन्हें उन्हीं की लैंग्वेज में समझाना है कि अगर येल आपको uh, 100 क्लाइंट्स मंथली ला के दे रहा है तो आई कैन हेल्प यू ब्रिंग 200 क्लाइंट्स मंथली बाय यू नो यूजिंग सम ऑफ द एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज मतलब facebook ads या google ads whatever service you are selling और ऐसे एक-एक करके आप इन सब बिजनेसेस को रीच आउट कर सकते हैं और उन्हें यू नो मैसेज कर सकते हैं उन्हें पिच कर सकते हैं अपनी सर्विसेज के बारे में सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडर वे राइट नाउ एंड आप सिर्फ ये तो मैंने येल्प यू एस का देखा है येल्प यू के यू कैन चेकआउट और कोई और वेबसाइट है बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट वो चेकआउट कर सकते हैं जैसे इंडिया के लिए यू कैन चेकआउट जस्ट डायल डॉट कॉम Uh, India Me and Baki Sari countries Australia ke liye, check out what is the most popular business listing website there you can reach out to the people or businesses from these websites also so this is one of the most most underrated um, you know strategy I would say and one of the effective strategy also to reach out to these businesses and convert them into clients. So the second way of outbound strategy is this which is I use so you open first incognito window, you know, just open incognito window on your browser and search for uh, Cairo. Let's say Cairo, Practor, not near me. Let's say I want to find in same San Francisco. So I will just search for just I have I think it is wrong spelling. I'll just search for this. And if you see, uh, I get a few results from Google. आई एल क्लिक ऑन दीज रिजल्ट एंड विजिट दीज रिज़ल्ट सारे क्लिक कर लूँगा ऊपर से नीचे तक ऑल दीज रिज़ल्ट एंड आईल गो एंड विजिट दीज वेबसाइट्स तो अगर आप वेबसाइट डिजाइन सर्विस सेल सेल कर रहे हैं तो यू कैन चेकआउट अगर कैसी वेबसाइट है आई डोंट थिंक इट इज़ वेरी गुड वेबसाइट सो यू कैन जस्ट पिच दैम सेम वे रीचिंग आउट टू देर इंस्टाग्राम or to their whatsapp or their whatsapp number or you know phone number mentioned or email mentioned you can reach out to these businesses again video would be the most effective way video pitch is going to be the most effective way to reach out to these businesses so uh, you can also check their you know let's say our facebook ad uh, is what you're trying to sell so facebook ad you know if you go and visit

ठीक है सो so, आपको क्या करना है अपनी प्रोफाइल ठीक से ऑप्टिमाइज करनी है लिंकड पे जाना है और आप अगर फेसबुक एड एक्सपर्ट हो तो ट्राई एंड मैंशन दोज की वर्ड ऑन योर प्रोफाइल कि यू आर अ फेसबुक हैट एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट वट एवर यू आर वेब डिज़ाइन में हो तो वेब डिज़ाइनर हो नो यू एक्स डिज़ाइनर हो यू आई डिज़ाइनर हो वट एवर जो की वर्ड्स है वो ट्राई टू मेंशन दो की वर्ड्स जो एक बिजनेस मैन सर्च कर सकता है नो लिंगडिन पर सिर्फ इतना करने से आपको क्लाइंट्स रीच आउट करना शुरू हो जाएंगे और अगर फिर भी नहीं होते हैं तो ट्राई एंड राइट पोस्ट ऑन लिंकड इन ट्राई एंड शेयर अबाउट योर इंडस्ट्री जैसे आप फेसबुक एड में हो तो फेसबुक एड स्ट्रैटेजीज फॉर डिफरेंट इंडस्ट्री रियल इस्टेट क्लाइंट यू नो डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए आप स्ट्रैटेजीज पूरा लिख सकते हैं न्यू अपडेट्स जो आ रही है उसके बारे में लिख सकते हैं एंड दैट विल ऑल्सो गेट यू अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स सो प्लीज़ यूज़ लिंकड इन प्रॉपरली इट्स लिटरली अ गोल्ड माइन ऑफ क्लाइंट्स so the second most popular strategy is using these freelancer websites like freelancer.com or fiverr.com or upwork.com fiverr and upwork you know most of the question which i've got is Nikhil, fiverr or upwork और वहाँ पे क्लाइंट्स ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि मार्केट सैचुरेट हो गई है मुझे ये लगता है कि आपने ठीक से उन वेबसाइट्स पे अपना लक ट्राई नहीं किया है आपने शायद एक गिग बना दिया फाइबर पे एंड वहाँ से कोई क्लाइंट नहीं आया एंड देन यू जस्ट गॉट फ्रस्टेटेड एंड आपने छोड़ दिया अगर मैं होता तो मैं मल्टीपल गिग्स बनाता था पाँच या दस गिग बनाता लेट्स से आई नो फेसबुक एड्स सो फेसबुक एड्स फॉर रियल इस्टेट फेसबुक एड्स फॉर इंटीरियर डिज़ाइनर फेसबुक एड्स फॉर डेंटिस्ट कायरो ऐसे ऐसे करके मल्टीपल गिग्स बनाता तो ताकि इम्प्रेशंस बढ़े मेरे सारे गिग्स पे एंड आई कैन कन्वर्ट एट लीस्ट फ्यू पीपल और एटलीस्ट वन पर्सन फ्राम फाइवर विद दीज यू नो मल्टीपल गिग्स और फाइबर और इन सब वेबसाइट पर पहला क्लाइंट मिलना इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसके बाद इट इज़ लाइक अ स्नो बॉल इफेक्ट उसके बाद आपको यू you नो know, uh, जो इनका एल्गोरिदम है वेबसाइट का एल्गोरिदम दे स्टार्ट पुशिंग योर गिग्स टू मोर एंड मोर पीपल एंड यू गेट क्लाइंट्स जस्ट बाय अ स्नो बॉल इफेक्ट पर्सनली मैं खुद फाइबर और ऑफवर्क यूज़ करता हूँ टू फाइंड फ्री लैंस फॉर समाई टास्क एवरी सिंगल डे आई वुड से और जब मैं ये इतना करता हूं तो आई एम श्योर देर आर लॉट मेनी क्लाइंट्स ऑन दीज वेबसाइट्स विच यू कैन अट्रैक्ट एंड दर्ड इन बॉन्ड स्ट्रेटेजी वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट राइट नाउ इज यूट आपको सिर्फ़ इतना करना है कि जो भी आप सर्विसेज सेल कर रहे हैं उसके बारे में आपको वीडियोस अपलोड करना है यूट्यूब पे लोगों को सिखाना है कि आप ये प्रोसेस कैसे करते हैं आप यू uh, you know, नो जैसे मान लो फेसबुक ऐड है तो फेसबुक ऐड कैसे चला सकते हैं क्या स्ट्रेटीज यूज़ कर सकते हैं और इस प्रोसेस में आप ये देखेंगे ये आपके वीडियोज़ आपके क्लाइंट्स भी वॉच कर रहे हैं एंड दे स्टार्ट रीचिंग आउट टू यू थ्रू यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर्सनली इफ आई टेल यू माई ओन एक्सपीरियंस मेरे पास अभी ज़्यादा है सब्सक्राइबर्स है ही नहीं है फ्यू हंड्रेड सब्सक्राइबर्स आते हैं एंड मुझे ऑलरेडी दो क्लाइंट्स मिल चुके हैं वन फ्रॉम इंस्टाग्राम एड वन फ्रॉम लिंकड इन एड जो वीडियोज़ मैंने बनाए हैं इससे पहले आप चेकआउट कर सकते हैं उन वीडियोज़ को एंड आई डोंट हैव लॉट ऑफ व्यूज़ ऑन दो वीडियोज ऑल्सो तो आपको हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ व्यूज़ नहीं चाहिए इन वीडियोज़ पर जस्ट राइट व्यूज चाहिए एक एक व्यू भी आपको एक क्लाइंट दिला सकता है सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक टू गेट क्लाइंट्स ऑन द इंटरनेट सो वन ऑफ माई फेवरेट बुक विच आई रेड लास्ट ईयर वॉज बाय ऑस्टिन क्लियोन विच इज़ शो योर वर्क आई थिंक आपको भी ये बुक पढ़नी चाहिए अगर अभी तक आपने ये बुक नहीं पढ़ी है एंड इट बेसिकली टेल्स यू अबाउट वाई यू नीड टू शो योर वर्क और पुट इट ऑन इंटरनेट क्यों आपको अपना काम Uh, लोगों को दिखाना चाहिए उसे इंटरनेट पे डालना चाहिए दिस इज़ वन ऑफ द अमेजिंग बुक आई थिंक यू शुड ऑल्सो रीड एंड आप जितनी जल्दी आउट बाउंड स्ट्रैटेजीज से इन बाउंड स्ट्रैटेजीज की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे इन फ्यूचर यू विल नेवर हैव टू स्ट्रगल टू फाइंड क्लाइंट्स ऑन इंटरनेट सो दीज आर सम माई स्ट्रैटेजीज इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक इट डू सब्सक्राइब टू द चैनल शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड इफ यू लव दिस वीडियो आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव दिस वन So until next video, thank you so much. Bye bye.